दोस्तों आखिर भारत ने दुनिया को क्या दिया है? देखो भारत दुनिया के लिए ना सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल रहा है बल्कि आज दुनिया भर में बहुत सारे आविष्कार भी भारत से हुए हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, भारत की प्राचीन लेखनी और धर्म ग्रंथ दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ हमारे जीवन के साथ ही स्पिरिचुअल नॉलेज के कलेक्शन के रूप में भी जाने जाते हैं। नंबर 2, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी भारत से हुआ था। इस आविष्कार ने मैथ को बहुत आसान बना दिया है। आज दुनिया भर में डेसिमल सिस्टम का उपयोग होता है। नंबर 3, प्लास्टिक सर्जरी भी भारत का आविष्कार है। श्रुता जो भारत के प्राचीन काल के एक फिजिशियन थे, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत सारे टेक्निक और तरीके डेवलप किए थे। नंबर 4, योग भी भारत का आविष्कार है। योग हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। योग से हमारा शरीर हेल्दी रहता है और हमें शांति मिलती है। नंबर 5, आयुर्वेदा भी भारत का बहुत पुराना आविष्कार है। आयुर्वेदिक नुस्खे और दवाओं से दुनिया भर के लोगों को आराम मिलता है। आयुर्वेदा से हमारे शरीर की बीमारियों का इलाज होता है। नंबर 6, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आविष्कार भी भारत से हुआ है। भारत में इनसैट जैसी पब्लिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का आविष्कार किया गया था। आज भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग दुनिया भर में होता है। नंबर 7, इंडियन भोजन दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। भारत ने अपनी खूबसूरत और स्वादिष्ट भोजन परंपराओं को दुनिया के साथ शेयर किया है। मसाला बिरयानी, समोसा, गुलाब जामुन जैसे भोजन पूरी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। नंबर 8, मंगलयान जो कि भारत के तरफ मार्स के लिए भेजा गया था, भारत का स्पेस रिसर्च में एक बहुत बड़ा आविष्कार है। भारत ने मंगलयान के जरिए स्पेस रिसर्च में काफी योगदान दिया है। दोस्तों ये तो सिर्फ कुछ आविष्कार थे जो भारत ने दुनिया को दिए हैं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। वैसे गाइस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जहां तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।